बेटा मुसद्दी जी। पापा जी मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा ना कहो पापा जी। बस बेटा अब मेरा बुलावा आने वाला है। नहीं पापा जी। बेटा मैं चाहता हूँ मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर जाऊँ। नहीं नहीं पापा जी। कुछ दान पुण्य कर दूँ। नहीं नहीं पापा जी। तूने जय हनुमान मंदिर देखा है? नहीं नहीं पापा जी। क्या नहीं देखा है पापा जी? हाँ तो चाहता हूँ आधा किलो सोने का बंदर वहाँ भेंट कर दूँ। नहीं नहीं पापा जी। क्या आप पापा जी वो सोने का बंदर भेंट करने की क्या जरूरत है? उसकी जगह कोई दूसरा बंदर ले लेंगे जो 200-300 रुपए में आ जाएगा। इतना पैसा खामखा हम लोग क्यों खर्च कर रहे हैं? अरे 200-300 रुपए भी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? मैं तुझे ही भेंट कर देता हूँ, फ्री का बंदर मिल जाएगा। ठीक है पापा जी। क्या जा जय हनुमान मंदिर जा और पता लगा कि बंदर कैसे लगाएंगे कहाँ लगाएंगे। ठीक है मैं अभी जाता हूँ। बोलो बजरंग बली को क्या सलमान खान की? अबे सलमान नहीं हनुमान बोल रहा हूँ, पवन पुट्टर हनुमान। फिर तो जय। देखिए जागृत हनुमान मंदिर के ट्रस्टियों कम कर्मचारियों, देखने में एक बात आ रही है कि आजकल लोग चढ़ावा ही नहीं चढ़ा रहे क्यों? अरे छुट्टियां चल रही है ना प्रभु। अरे भोले नाथ भगवान की छुट्टियां तो नहीं चल रही ना? लेकिन भक्त लोग तो छुट्टियों पे चले जाते हैं ना घूमने के लिए। यही तो अगले महीने से चढ़ावा बढ़ने की उम्मीद है। कैसे? जय हनुमान। अगले महीने से बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो लोग बाग एग्जाम से पहले और बाद में चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं। अरे लंगूर हम 125 रुपए के चढ़ावे की बात नहीं कर रहे, हम मोटे चढ़ावे की बात कर रहे हैं। आप तो हेड पंडित हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो क्या करें, खुद चढ़ जावा चढ़ावे की जगह? ना ना खुद मत चढ़ना, नहीं तो 125 रुपए में भी नहीं बिकोगे। क्या इनका कहने का मतलब है कि प्रभु ऐसी स्कीम निकालिए कि भक्त लोग खींचे चले आए? बस एक अफवाह उड़ा दो के हेड पंडित पांडे जी को बजरंगबली सपने में दर्शन दिए और उन्होंने कहा है कि जो भी प्राणी बुधवार को हमें चढ़ावा चढ़ाएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बुधवार? लेकिन हनुमान जी का दिन तो मंगलवार का होता है। जय हनुमान। अरे बुधवार बोलेंगे तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा ना। यही तो, मंगल और शनि को तो लोग आते ही है, बुध को भी आएंगे और चढ़ावा चढ़ाएंगे। मैडम। जय हनुमान भाई साहब। जय हनुमान मैडम। ये भेंट के बारे में किससे भेंट करूं? भेंट चढ़ानी है या भेंट करनी है? भेंट चढ़ाने के बारे में भेंट करनी है कि कैसे किस तरह से हो सकता है। कैश है जी? नहीं वस्तु है। वस्तु कौन चढ़ा रहा है? मेरे पापा जी। जिंदा है या मर चुके हैं? नहीं अभी तो जिंदा है, पर क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं जो है उनकी भेंट अलग होती है और जो चढ़ चुके हैं उनकी भेंट अलग होती है स्मृति चिन्ह के रूप में। नहीं अभी तो जिंदा है। तो ठीक है भाटिया जी से मिलो। वो हमारे अकाउंटेंट है, वो ही बताएंगे कहाँ क्या करना है। ए, भाटिया जी कहाँ मिलेंगे? जय हनुमान भाई साहब। जय हनुमान भाई साहब। मेरा नाम मुसद्दी लाल तोमर है। कहिए जी। मेरे एक पापा हैं। अच्छा एक ही है? हाँ एक ही पापा। अरे और कितने होंगे? बोलिए बोलिए जी। ये मेरे पापा मुसद्दी लाल तोमर सीनियर बहुत बीमार हैं। हो क्या हो गया उनको? जी पीलिया हो गया। ओ, तो उनको गन्ने का जूस पिलाओ ना। अरे मैं हर तरह का जूस पिला के देख चुका हूँ। तो अब क्या है कि उनका अपना ही जूस निकल गया। अच्छा कैसा है उनका अपना जूस? मैं ऐसे कह रहा था कि क्या? अब उनका अंतिम समय आ गया है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप उनकी 13वीं के लिए हमें इनवाइट करने आए हैं? जी नहीं 13वीं नहीं, अभी तो वो जिंदा है भाई। तो फिर यहाँ क्या करने आए आप? ये बात ये है कि मेरे पिताजी मुसद्दी लाल तोमर सीनियर की ये तमन्ना है कि जय हनुमान मंदिर में सोने का एक बंदर भेंट कर दें। क्या जी? कितने तोले का? तोले का नहीं आधी किलो का। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अरे उसके लिए आप क्या करेंगे, जो करेंगे हम करेंगे भाई। आप तो बस जो है भेंट का फॉर्म भर दीजिए। हाँ फॉर्म कहाँ मिलेगा? पूजा जी के पास। अरे पहले कहना था ना कि आधा किलो सोने का बंदर भेंट कर रहे हो। उससे क्या होता है? हम आपका काम पहले कर देते। ऐसा क्यों? हनुमान जी के मंदिर में बंदरों का काम पहले किया जाता है। आपको मैं बंदर दिखाई देता हूँ? ना ना अब बंदर भेंट कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, तो मुझे क्या करना होगा? आप क्या करेंगे, जो करना है हम करेंगे। तो करिए ना। पहले आप जरा ये करिए ना। नहीं ये सब करना मुझे नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। क्या? हाँ, जैसे भी आता है कर लो ना। अच्छा ये फॉर्म भरना है। लाइए मैं भर देता। ना ना मैं भरूंगी, जो पूछूंगी बोलते जाओ। ओके। नाम? मुसद्दी लाल तोमर। उम्र?
44 साल। पता 46/48 मीरपुर। चढ़ावा किसके नाम चढ़ाना है जी? मुसद्दीलाल तोमर सीनियर। इसके पैसे कौन भरेगा? मुसद्दीलाल तोमर सीनियर। ओके, चढ़ावा चढ़ाने वाला मर चुका है या मरेगा? जी जहाँ तक मुझे लगता है 15-20 दिन की बात है। इतने दिन क्या करेगा? बिस्तर पे लेटे रहेंगे। ओह गुड, अब इतिहास बताइए उनका। किसका? पापा जी का। क्यों? चढ़ावा चढ़ाने वाले के पाप पुण्य का सवाल होता है, उस हिसाब से नियत तय की जाती है ना। अच्छा अच्छा, पापा जी कैसे हैं? जी बिल्कुल पापा जैसे हैं। उनकी जेब में पैसे हैं? जी बहुत हैं। हाँ, कभी चोरी चकारी की थी? ये क्या सवाल हुआ? पाप पुण्य का सवाल है ना। कभी चोरी चकारी की थी? जी 2 बार। कभी किसी से उधारी ली थी? कई बार। कभी किसी को मारा था? जी नहीं। कभी किसी ने मारा था? जी कई लोगों ने। शादियाँ कितनी हुई? शादी तो एक भी नहीं की उन्होंने। हाँ? तो फिर तुम कहाँ से टपके? जी मैं। अरे कहाँ से आए? ये क्या है कि मेरे पिताजी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी। यही तो, फिर औलाद कैसे हुई? जैसे हनुमान जी के हुई थी। कैसी हुई थी उनकी? क्या है, जब हनुमान जी लंका से लौट रहे थे तो उनका पसीना एक मछली के मुंह में गिरा और एक बेटा पैदा हो गया। हाँ? लेकिन तुम्हारे पिताजी का पसीना कहाँ टपका? नहीं मेरे पिताजी का पसीना नहीं, मेरे तो पिताजी टपक गए थे मेरी माँ के पास। कभी किसी को दान दिया था? कभी नहीं। कभी किसी से दान लिया था? कई लोगों से। यही तो, फिर तो पापा पापी है। क्यों? डोंट वरी, हम सारे पाप धुलवा देंगे, बंदर फिट करवा देंगे। कब तक? देखिए अभी ये फॉर्म हमारे ट्रस्ट के जो चेयरमैन है शुक्ला जी उनके पास जाएगा, फिर मीटिंग होगी, फिर फैसला होगा ना। नहीं पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए एक सोने का बंदर ही तो मंदिर में फिट करना है। हाँ पर मंदिर में जगह है नहीं, सब देखना पड़ेगा ना। क्या मतलब, रोज इतने लोग चढ़ावा चढ़ाने आते हैं तो बंदर कहाँ फिट करना है वो देखना पड़ेगा ना। कब तक पता करूँ? अगले हफ्ते आ जा। जी तब तक पापा रहेंगे ना। अरे तो पापा से ही पूछना पड़ेगा ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे आप ही ने तो कहा था कि आपका बुलावा आ गया है। अरे बेवकूफ, मंदिर में बंदर बिठाए बिना कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तब ठीक है। क्या कहते हैं हनुमान मंदिर वाले? वो कहते हैं बाद में बताएंगे कि बंदर कहाँ बिठाना है। क्या? हाँ मतलब बाद में उनकी मीटिंग होगी, फिर डिसाइड करके बताएंगे कि बंदर कहाँ बिठाना है। डिसाइड क्या करना है बेटा, बंदर तो हनुमान जी के चरणों में ही बैठेगा। उसका एक्स्ट्रा लगेगा 50,000। ये सही है जय हनुमान, और अगर दरवाजे पे बिठाना हो तो 25,000। लिखो भाटिया लिखो। हाँ जी हाँ सर। और आंगन में बिठाना हो तो? 10,000। बाहर वाले गेट पे बिठाना हो तो? 5,000। जो 5,000 भी ना दे पाए तो? जाके अपने घर में बिठाओ। हनुमान जी के चरणों में 50,000 रूपए? डायरेक्ट चरणों में बिठा रहे हैं ना। 50,000 रूपए? देखिए आपसे पहले 10 लोग लाइन में खड़े, लेकिन आपके पापा की भक्ति ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी इसके लिए आपको चांस दे रहे हैं। नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। रेट हम नहीं बनाते ना। तो कौन बनाता है? मंदिर के हेड पंडित पांडे जी। पांडे जी कहाँ हैं? यही हैं। यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मंदिर की शिफ्ट खत्म करके आएंगे। अच्छा पांडे जी, फूल का ठेका हमें दिला दो। पांडे जी मैंने आपको 5,000 रुपए दिए। हाँ पैसे हम भी दे देंगे, लेकिन ठेका हमें ही मिलना चाहिए। देखो गोविंद राम, तेल का ठेका तुमको दिया है ना, हर शनिवार को तेल लगाते हो पब्लिक को, भाई फूलों का ठेका राधे श्याम का। थैंक यू पांडे जी। सब हनुमान जी की इच्छा है। जय हनुमान। बाहर दक्षिणा पेटी में 10,000 रुपए डाल देना जी, वरना और भी लोग खड़े हैं फूल लेके। पैसे पहुंच जाएंगे पांडे जी। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। ओके जय हनुमान। पांडे जी। जय हनुमान। जय हनुमान जी। पांडे जी मेरा नाम मुसद्दीलाल तोमर है। वही जिसका बाप मर रहा है? जी हाँ, बहुत तबीयत खराब है। बंदर चढ़ाना चाहते हो? जी हाँ। सोने का? जी हाँ जी। तो चढ़ाओ जी। मेरे पापा की बड़ी इच्छा है कि बंदर जो है वो हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया जाए। अब ये तो बंदर की इच्छा है, वो जहाँ बैठेगा वहाँ बिठा देंगे जी। हाँ भगवान के चरणों में अगर बिठाना है तो 50,000, दरवाजे भी बिठाना है 25,000, बाहर आंगन में बिठाना है 10,000, और बाहर गेट में बिठाना है तो 5,000, और अगर फ्री में बिठाना चाहते हो तो अपने घर में बिठाओ। नहीं नहीं, यहाँ मंदिर में ही बिठाना है। तो बोलो कहाँ बिठाएं? वो तो चरणों में। 50,000 लगेगा? 50,000 तो बहुत ज्यादा है। अरे कहाँ ज्यादा है, भगवान जी के चरणों में बंदर बैठा रहेगा, उस पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा देंगे, स्वर्गीय मुसद्दीलाल तोमर सीनियर जी की स्मृति में स्मृत चिन्ह बंदर, हर आने जाने वाला व्यक्ति उसको पड़ेगा। तुम्हारा बाप तो अमर हो जाएगा बेटे। देखिए अभी तो वो जिंदा है, लेकिन अगर मुझे 50,000 रुपए देने पड़े तो जीते जी मैं अमर हो जाऊंगा। क्यों? अब बात ये ना कि जो कुछ वो मेरे लिए छोड़ के जाएंगे उसी में से तो निकाल के 50,000 रुपए दूंगा ना मैं। ओ तो देखिए ना पांडे जी, कोई रास्ता निकालिए जिससे मंदिर का काम भी हो जाए और पिताजी की इच्छा भी पूरी हो जाए। एक रास्ता है, वो मैं बता सकता हूँ। बताइए बताइए। यहाँ से सीधे चले जाओ, बाईं तरफ मुड़ के जो दाहिनी तरफ दरवाजा आएगा उसके अंदर घुस जाना। वहाँ कौन मिलेगा? कोई नहीं जी।
मतलब कोई नहीं, मतलब अभी कोई नहीं है, लेकिन आधे घंटे के बाद वहाँ शुक्ला जी आएंगे, हमारी मंदिर कमेटी के चेयरमैन शुक्ला जी, वही कुछ कर सकते हैं। शुक्ला जी। जय हनुमान। जय हनुमान। हाँ कहिए, क्या है श्रीमान जी? मैं एक मिनट खा लूँ थोड़ा पान। अब बोलिए भगवान। देखिए मैं, आप तो सब जानते हैं मैं मुसद्दी लाल बंदर वाले जी, मतलब बंदर चढ़ाने वाले जी। यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा। क्या समस्या क्या है? देखिए मेरे पापा जी की इच्छा है कि बंदर भगवान के चरणों में रखें। तो रखें, पर उसके लिए 50,000 रुपया यहाँ रखें। नहीं ये तो बहुत ज्यादा है ना। कहाँ ज्यादा, एकदम एग्जीक्यूटिव क्लास में तो बंदर को बिठा रहे हैं। नहीं, नहीं आप कुछ करें ना भगवान के नाम पे। अरे मतलब हम क्या करें? देखिए ये 50,000 रुपया मेरी पर्सनल जेब से जाएगा। वो बंदर वाले डोला? अरे वो तो पापा जी ने दान करने के लिए रखे ही थे, तो उसकी जगह पे बंदर चढ़वा रहे हैं। अच्छा एक बात ऐसा करते हैं कि आपका 50,000 भी ना जाए और ऊपर से 1,00,000 रुपये भी मिल जाए। अरे ऐसा चमत्कार हनुमान जी कर सकते हैं। अरे भैया हमारा ये जागृत हनुमान मंदिर है ही चमत्कारी। तो कैसे होगा ये चमत्कार? देखो महापुरुष चमत्कार होता नहीं, किया जाता है। कैसे? देखो अपने पिताजी से वो 2,00,000 रुपए ले आओ, कहते कि हम बंदर चढ़ा रहे, बाद में 1,00,000 तुम रखो 1,00,000 हमें दे दो। और बंदर? कौन सा बंदर? अरे वही जो पापा जी यहाँ चढ़वाना चाहते हैं। कहाँ? मंदिर में। कौन सा मंदिर में? ये जय हनुमान मंदिर में। अरे भैया यहाँ ऑलरेडी इतने बंदर है कि पब्लिक परेशान है, ऊपर से तुम एक एक्स्ट्रा बंदर और चढ़ा रहे हो। नहीं पर ये उनकी आखिरी इच्छा है। पहली इच्छा तो नहीं ना, अब जीवन भर उनकी इच्छा पूरी की। देखो अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या हो गया? तो नरक में जाएंगे। बंदर चढ़ा देंगे तो स्वर्ग में जाएंगे? हाँ। अरे मेरे विभीषण, ऐसे ही बंदर चढ़ाने से लोग स्वर्ग में जा रहे होते हैं तो मंदिर में बंदर है बंदर होते हैं और नरक एकदम खाली। तो आपके कहने का मतलब ये है कि बंदर चढ़ा भी देंगे पापा जी तब भी वो नरक में जाएंगे? एक बात बोले, तुम्हारे पिताजी खुद भी चढ़ जाएंगे ना तब भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। तुम्हारे पिताजी का इतिहास और बायोडाटा सब हम जानते हैं, एक नंबर के पापी हैं आपके पिताजी, पापी नंबर 1 पापा। क्या कह देते हो कि बंदर? बोलो। अब इसके बारे में तो पापा जी से पूछना पड़ेगा। तो जा पूछ लो पापा जी से, टाइम नहीं मार पा रहा अभी। क्या कह रहे हैं, टाइम नहीं है? अरे जब तक मैं बंदर नहीं चढ़ा लूंगा प्राण नहीं छोड़ूंगा। पर पापा वो बहुत परेशान कर रहे हैं मंदिर वाले, वो कहते हैं चरणों में बिठाने के 50,000 रुपए लेंगे। क्या? हाँ कैश दे दें। कैश? हाँ कह रहे थे हम खुद ही बनवा लेंगे। अरे वो तुझे उल्लू बना रहे हैं, वो बंदर नहीं बनाएंगे, पैसे खा जाएंगे। आपको कैसे पता? क्यों नहीं, दिखने में तो लोग ईमानदार लगते हैं। अरे तुम को जाके बोल के कैश नहीं, हम तो बंदर ही चढ़ाएंगे। पर चरणों में न सही कहीं और चढ़ा देंगे। दरवाजे के 25,000 रुपए कह रहे हैं, आंगन के 10,000 और गेट पे कहते हैं 5,000। 5,000 दे दूंगा, बस गेट पे चढ़ा दें। अब बिठाओ, गेट के बाहर बिठा दो, हमारा क्या नुकसान, तो आप ही का है। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, पिताजी जो है मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं मैं बंदर ही चढ़ाऊंगा, कैश नहीं चढ़ाऊंगा। अरे महाराज बंदर चढ़ाओ, बकरी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पांडे जी चढ़ा दो। चढ़ा देंगे, लेकिन आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। कैसी एप्लीकेशन? यही कि मंदिर के गेट के बाहर हम एक बंदर बिठाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो कब बिठाएंगे? कल मुहूर्त निकलवा देते हैं। मुहूर्त? अरे भाई किसी भी चीज की अगर स्थापना करनी हो ना तो मुहूर्त निकालना पड़ता है। ओह हाँ, तो कब आऊं? कल आइए। अच्छा ठीक है, नमस्ते। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान। शुक्ला जी है? गेट के बाहर अगर बंदर बिठा दिया और कोई उसे चुरा ले गया तो? कोई कौन बे? ए वही जो पिछली बार गधा चुरा के ले गया था। बाय गॉड, बड़ा स्टैंडर्ड गधा था, अब तक जो है ना बच्चा खेल रहा उससे। तो क्या करें, करा दे स्थापना। अरे करा दो स्थापना, 2 दिन बाद कह देना कि चोरी हो गया। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। जय हनुमान। जय हनुमान। कैश 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 जमा कराना है। ये एप्लीकेशन ले लें। वो आप ही रखिए। और कैश? ये हम रखेंगे। पर एप्लीकेशन ले लेना माटिया जी। ले तो ली भाई। अच्छा तो रसीद? रसीद? घूस की कोई रसीद होती है? अरे हाँ, वो तो वो बंदर की स्थापना कब होगी? अब वो तो वही बताएगा। कौन? बंदर। देखिए मजाक मत कीजिए, बता दीजिए कब होगी स्थापना। हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा? अरे अब ये पांडे जी बताएंगे। पांडे जी तो आए नहीं ना, गायब है। अरे पांडे जी, ये देखिए आ गए पांडे। क्या 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 जरूरत क्या थी मुकुट चुराने की? मुकुट क्यों चुराया? चुराया थोड़ी था, पॉलिश करवाने के लिए ले गए थे और आप लोगों ने समझा होगा कि उड़ा लिया। ये देखिए, अगर पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा होता तो मुकुट पे इतना पॉलिश कराते कि पॉलिश कर करके घिस डालते हो, कहते चोरी हो गई। हाँ जैसे पिछली बार तुमने गधा उड़ाया था भाई साहब, वो मेरे बच्चे की चिट्ठी। अच्छा जय हनुमान पांडे जी। जय हनुमान। काम बोलो जी। वो बंदर की स्थापना करवानी थी। कल आना। कल का दिन तो ठीक नहीं है। आज का दिन मेरे लिए खराब है, आप अगले मंगलवार को आना बंदर बना के ले आओ। और सुनो दोस्त,
बंदर वहीं से बनवाना जिस सुनार से हम लोग के मंदिर का जेवर बनता है। अब जहाँ से मुझे बनवाना होगा वहाँ से बनवाऊंगा, आप मुझे मत मत बताइए। अच्छा ठीक है जहाँ से बनवाना बनवा लेना। ये लो मीनू। मीनू और क्या, बंदर की स्थापना के बाद ब्राह्मणों का भोज होगा ना, उसका मीनू है। इतना लंबा मीनू? अरे भाई ये तो आपके पापा की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। अरे मेरे पापा तो अभी जिंदा है। अरे तो कभी तो मरेंगे, हम पहले से आत्मा शांत कर रहे हैं ना। ओके जय हनुमान। ओके जय हनुमान। जय हनुमान। अरे पापा जी आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। बस बेटा हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। बस तो फिर जल्दी से आप बंदर चढ़ा दीजिए। पागल है क्या, बंदर आदमी ऐसे टाइम पे चढ़ाता है जब मरने वाला हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप बंदर नहीं चढ़ाओगे? उल्लू है क्या? जय हनुमान। भैया जय हनुमान सब ठीक है, लेकिन ये क्या न्यूज दे रहे हो कि पिताजी मर नहीं रहे? ना अरे ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे पिताजी ने अपना मरना नहीं, अपनी शादी कैंसिल कर दी हो। देखो भैया शादी कैंसिल वैंसिल सब ओके, लेकिन ये मरने का प्रोग्राम पोस्टपोन करके ना हमारा तो प्रोग्राम चौपट कर दिया ना। हमने तो बंदर उड़ाने का प्रोग्राम भी बना लिया था। क्या उड़ाने का? नहीं लगाने का, स्थापना की तैयारी कर ली थी हमने। हमने तो खाने का पूरा इंतजाम कर लिया था, स्थापना का भी और आपके पापा जी की 13वीं का भी। यही तो मैंने तो नई साड़ी खरीदी थी, स्थापना पर पहनूंगी। नहीं नहीं निराश मत होइए, देखिए स्थापना तो अभी भी निश्चित है ना। परंतु पता नहीं ना पिताजी कब उतरेंगे, कब बंदर चढ़ाया जाएगा, कब उड़ाया जाएगा। अरे कुछ नहीं, बस आप कुछ कीजिए। क्या करूं मैं, पापा जी से जाकर कह दूं आप मर जाओ? हाँ 50% देंगे बाय हनुमान। 50% किसको? वो कुछ नहीं भाई, आप पिताजी को कन्विंस कीजिए कि वो मर जाए। अरे नहीं नहीं बंदर चढ़ा दे, बाकी जीना मरना तो लगा रहता है। हाँ बंदर चढ़ाना तो बड़े पुण्य का काम होता है, जीते जी ले ले। मर के कमाया तो खर्च कहाँ करेंगे? नहीं नहीं आपकी बात तो ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं पापा जी से जाके पूछता हूँ कि उनका प्रोग्राम क्या है। भैया ये प्रोग्राम तो गया खटाई में। चिंता मत करो, इसका बाप जल्दी मर जाएगा। आपको कैसे पता? पंडित हूँ, कभी कभी तो जुबान पे सरस्वती बैठती है, अभी बैठी थी। भाटिया जी, पांडे जी, शुक्ला जी, उषा जी, क्या हुआ? मेरे पापा जी की तबीयत बड़ी खराब है। कांग्रेचुलेशंस। कहा था ना सरस्वती बैठी है। इसमें खुश होने की बात नहीं है, ये तो रोने की बात है। देखिए भाई ये सब तो प्रभु की माया है, बस आप ये बता दीजिए कि बंदर कब दे रहे हैं? कल स्थापना करा दे, कल का दिन भी अच्छा है। यही तो, कल बंदर स्थापित हुआ कि सीधा स्वर्ग जाएगा। कौन बंदर? नहीं नहीं आपके पापा जी। हाँ वही मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा जी स्वर्ग जाएं, कहीं उस बंदर की वजह से नर्क ना चले जाएं। नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, आपके पिताजी को स्वर्ग बचाना हमारा जिम्मा है, ना पहुँचे तो पैसे वापस। पर वो स्वर्ग पहुँच गए हैं ये कैसे पता चलेगा? पैसा वापस किया तो नर्क में, पैसा वापस नहीं किया तो स्वर्ग में। क्या 5,000 रुपए? 5,000 क्यों? अरे बताया था ना उस दिन स्थापना की फीस। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर मैं कल बंदर बनवा के लाता हूँ। ओके जय हनुमान। ओके जय हनुमान। जय हनुमान। ए भगवान इस पापी की ये भेंट स्वीकार करना और इसके पाप माफ करना। लाओ पापा देर हो रही है। अरे ठीक से माथा तो टेक रहे थे। अरे कहीं ऐसा ना हो कि माथा टेकते टेकते आप ही टिक जाओ। तो मेरे टिकने से पहले बेटा इसे वहां टिका दे ताकि स्वर्ग में मैं टिक रह सकूं। ठीक है पापा। जय हनुमान। जय हनुमान। टिक। आ कितना सुंदर बंदर है पांडे जी। इसका पूरा मिलेगा बिना कटे। बिना कटे? पुण्य मिलेगा बिना कटे। तो बस जल्दी से मेरे पिताजी की मृत्यु से पहले आप इसे स्थापित करवा दें। हाँ हाँ जल्दी 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 करो, नहीं तो पिताजी नरक में जाएंगे। जी हाँ जी हाँ। एक सेकंड। हेलो क्या 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 ये क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ, फिर से ठीक हो गए क्या? पापा जी पूरी तरह ठीक हो गए। क्या? हाँ मेरे पापा जी गुजर गए। क्या? हाँ मेरे पापा जी गुजर गए। देखो देखो रो मत, रोने से कोई फायदा नहीं है, बस जल्दी से जल्दी बंदर बिठा दो। अब बिठाने से क्या फायदा, अब तो पिताजी उठ गए। नहीं नहीं अभी ज्यादा ऊपर नहीं उठे होंगे वो। नहीं नहीं अब नहीं बिठाऊंगा मैं। अरे नहीं ऐसे कैसे कर सकते, जल्दी बिठाना पड़ेगा, पिताजी को स्वर्ग मिलेगा। नहीं नहीं वो तो मरने से पहले बिठा देते तो मिलता ना, क्यों पांडे जी? ना आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा बिठाऊंगा कि मरने के बाद भी स्वर्ग ही मिलेगा। इतना उल्लू नहीं हूं मैं कि अब बिठाऊंगा। देखो बेटा ये सब बातें छोड़ो, बस बंदर बिठा दो तो पिताजी को स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। शुक्ला जी जी अगर बंदर बिठाने से स्वर्ग मिल जाता तो सारे के सारे बंदर मंदिर के अंदर होते और सारे के सारे बंदे ऊपर स्वर्ग में, क्यों समझे ना? जय हनुमान। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.